कल्याणम करोति मथुरा द्वारा मूक बधिर और मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बच्चे और युवाओं की मदद के लिए संचालित संबल स्कूल शाखा अपने नाम के अनुरूप यथा नाम तथा गुण के रूप में पूरी तरह से कारगर साबित हो रही है, जहां पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई और मानसिक दक्षता के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी सतत प्रयास किए जा रहे हैं। और सही मायने में कल्याणम करोति मथुरा का यह प्रयास रंग भी ला रहा है। यहां 3 से 5 साल की उम्र के मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को विभिन्न प्रकार के ज्ञान और शब्दों के माध्यम से सक्षम किया जा रहा है, तो वहीं मूक बधिर बालकों को विभिन्न उपकरण के माध्यम से उन्हें भविष्य के लिए अपने पैरों पर खड़ा करने की योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है। यहाँ केवल ज्ञान और शिक्षा ही नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसे बच्चे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें और स्वयं अपने पैरों पर खड़े होकर जीविकोपार्जन के साधन में दक्ष हो सकें, इसके लिए उन्हें उनकी उम्र के अनुसार प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। ये सभी वही छात्र हैं जिनके मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग होने पर उन्हें दया की दृष्टि से देखा जाता है। आज वही बच्चे दीपावली कार्ड, गोबर से बने दीपक, लक्ष्मी गणेश, गोबर से निर्मित धूप बत्ती, रंगोली के रंग और स्वयं द्वारा बनाई गई दीपावली के शुभकामना कार्डों से स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसरित हैं। इस संबंध में संबल के प्रशिक्षक द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आज इन बच्चों द्वारा गोबर आदि से निर्मित गिफ्ट आइटम की स्टॉल भी लगाई जा रही है। जी, किस प्रकार से बच्चों को ट्रीट किया जाता है? ये FACP टूल्स है, उसके माध्यम से हम जो है कि क्लास को डिवाइड करे हैं। पहले आप शुरू में गए होंगे तो वो प्री प्राइमरी क्लास है, जो कि 3 से 6 वर्ष वाले बच्चे उसमें बैठते हैं। जो हमारा अगर नॉर्मल लेते हैं कि प्ले ग्राउंड प्ले स्कूल होता है, उसी के तहत ये भी FACP है। इसके तहत जो है कि प्री प्राइमरी, प्राइमरी, प्राइमरी सेकेंड, फिर इसके बाद आपका आ जाता है सेकेंडरी, इसके बाद आपका प्री वैकेशनल आ जाता है। प्री वैकेशनल में जो हमारे बच्चे रहते हैं वो जो है 14 से 18 वर्ष तक। इसके बाद आप जो क्लास में हम बात कर रहे हैं आपसे, ये हमारा क्लास है वैकेशनल, जिसमें 18 से ऊपर वाले जितने बच्चे थे उसे वैकेशनल कहते हैं। इन बच्चों के लिए हम लोग आप देख ही रहे हैं कि दिया डेकोरेट वो कर रहे हैं, दिया डेकोरेट, इसके बाद ये बच्चे पेन होल्डर के लिए रखने के लिए ऐसी चीज़ें बना रहे हैं। इनकी आवश्यकता के अनुसार जैसे इनका फाइन मोटर सही है, तो जैसे जैसे आपका लिफाफा बनाना प्री वैकेशनल में, आप प्री वैकेशनल में देखे हैं, इसमें क्या है, आप देखे हैं कि वैकेशनल में कि बच्चे जो है दिया डेकोरेट कर रहे थे, दिया बनाए, इसके बाद जो है कि फाइन मोटर अगर जितना है उसके नीड की आवश्यकता के अनुसार हम क्या करते हैं कि उनको सिखाते हैं। जो हमारे प्रशिक्षक जो बनाए गए हैं वो विशेष गोबर से बनाए गए हैं। हाँ, विशेष गोबर से बनाए गए हैं, इसके लिए कि ज़्यादा जो है कि आप देखते हैं कि उसको वेस्ट जो है लोग फेंक देते हैं इधर उधर, जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है, तो उस चीज़ को जो रॉ मटेरियल है जो बेकार माना जाता है उससे हम इन बच्चों के लिए सिखाते हैं और बनाते हैं, जो मार्केट में बहुत आसानी से उपलब्ध हो सके और इसका यूज हो सके। उनको साइन लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ाया जाता है, जितना जिसका आवश्यकता है, नीड है, उस हिसाब से साइन लैंग्वेज के हिसाब से हमारे यहाँ टीचर उपलब्ध हैं और वो टीचर उनके उनकी आवश्यकता को देखते हुए उन्हें पठन पाठन कार्य कराते हैं। हमारे यहाँ क्लास एक से लेके 12 तक पढ़ाई होती है ऐसे बच्चों के लिए। टोटल अगर माना जाए तो कितने बच्चे पढ़ते हैं? टोटल अगर पूरे बच्चे, हाँ, तो 120 बच्चे हैं। 120 बच्चे हैं। वे बच्चे हैं जो मानसिक रूप से थोड़ा सा अक्षम भी हैं। हाँ, इसमें जो है कि वे बच्चे बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं, जिसे ID कहते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और मुख बधिर, डीप एंड डम बच्चे हैं। तो इससे इम्प्रूवमेंट कुछ होता है उनके अंदर? हाँ, बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि आप बच्चों को जो ID बच्चे हैं उनके माता पिता सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारे रहने के बाद, हम तो हैं तो ठीक है, हमारे नहीं रहने के बाद क्या चीज़ें इनको होगी, कैसे रहेंगे कैसे नहीं, ये बहुत शोचनीय दैनिकी स्थिति है जिसके द्वारा उन बच्चों को हम लोग हमारे ट्रेनर जो हैं उन्हें प्रशिक्षित करते हैं। प्रशिक्षित करने के बाद व्यवसाय में डालते, जिस वो प्रशिक्षण देने के बाद हुआ आत्मनिर्भर बन सकता है, जिससे कि अपने जीवन
यापन करने के लिए कुछ पैसा की जरूरत होती है, वह आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर व्यावसायिक चीज़ें चलता है, लिफाफा बनाना, दिया डेकोरेट करना, मोती का माला बनाना, फूलों की माला बनाना इत्यादि है, जिससे ये सीख के कुछ अर्जन मार्केट में अर्जन कर सकते हैं, जिससे अपना जीवन यापन आराम से चला सकते हैं। ये नहीं है कि एक दूसरे पर किसी पर निर्भर रहते हैं। इस चीज़ को हम लोग देखते हुए इस संस्था ने ये किया कि यदि बच्चों के अभिभावक जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे का क्या होगा, तो अभिभावक बहुत खुशी से देखते हैं कि ये चीज़ें कार्य होता है। तो ये अब धीरे धीरे अपनी मानसिकता जो चीज़ें हैं वह छोड़ चुके हैं कि हाँ, हमारा बच्चा भी, हम नहीं रहेंगे तो ये भी कुछ कमा के अपना आत्मनिर्भर अपना जीवन यापन कर सकता है। इस सराहनीय प्रयास को मूल रूप से रंग देने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाने वाले कल्याणम करोती के महामंत्री सुनील शर्मा से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि समाज में ऐसे बच्चों को परिवार में दया का पात्र नहीं बल्कि उन्हें सक्षम बनाने का प्रयास है, जिससे कि वो समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें और अपने परिवार के लिए बोझ न बने। मानसिक रूप से अक्षम और मूक बधिर बच्चों को यहाँ देखा है हमने कि बहुत अच्छी यहाँ पर उनको क्लासेस दी जा रही है, आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है, और देखा गया है कि बहुत सारा आइटम जो बच्चों ने तैयार किया है, जैसे गोबर के दीपक और कांच में जो है दीपक बना के तैयार किया है, गिफ्ट पूरा तैयार कर दिया। वास्तव में क्या नहीं लगता कि पूरा इस तरह कैसे अंजाम दिया आप लोगों ने? कल्याणम करोती द्वारा मथुरा में ऐसे बच्चे जो समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं, उनको यहाँ पर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लगातार संस्था अनेक वर्षों से प्रयासरत है। उसी क्रम में संस्था द्वारा 2002 में मानसिक रूप से मंदित बच्चे और मूक बधिर बच्चों के लिए एक सम्मल नामक विद्यालय खोला गया। इस विद्यालय के माध्यम से हमारी चेष्टा है कि इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा में ला सकें। उसी क्रम में संस्था लगातार प्रयास करती है कि इनको हाथों में कुछ काम देकर इनको आत्मनिर्भर बनाया जा सके। संस्था द्वारा रक्षाबंधन के पावन पर्व पर और दीपावली के अवसर पर, होली के अवसर पर कुछ इनके हाथों में काम देकर अनेक व्यवसायिक छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से इनके द्वारा हम लोग प्रयास करते हैं। दीपावली के अवसर पर भी संस्था ने इन बच्चों के द्वारा दीपक, गाय के गोबर से दीपक बनाए हैं, मोमबत्ती बनाई हैं, और हमारी चेष्टा है कि ये दीपावली के अवसर पर रोशनी के माध्यम से ये अपनी बात उन लोगों तक पहुंचा सकें जो भगवान की कृपा से सक्षम हैं और आर्थिक रूप से भी संपन्न हैं। मेरा सभी ब्रजवासियों से अनुरोध है कि एक बार इस विद्यालय में ज़रूर आएं और ये मानसिक मंदित बच्चे और मूक बधिर बच्चे जो कि समाज की मुख्यधारा से कटे हुए हैं, उनको समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।